अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, व्हेन टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। हेयर सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर। Solute, the substance which is lesser in quantity is solute, and the substance which is more than greater in quantity in a solution called a solvent. Here water is a solvent or a medium which we used in a solution in above example. Now there are three types of solutions: hypertonic, isotonic, hypertonic. Hypertonic, in this type of solution, solute inside the cell is higher as compared to their surrounding, and the solvent, that is water, is lesser in quantity in cell as compared to surrounding. Surrounding mein water ki quantity zyada hai. The osmosis rule apply here. The substance which is greater in quantity starts to move the side where it is lower in quantity. The movement of molecules from higher concentration to lower concentration gradient, this is osmosis. तो यहाँ पर water जो है cell के अंदर कम है, जबकि salt या सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो सेल वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के इनसाइड मूव करना शुरू कर जाएंगे, और इसके नतीजे में क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा और ऐसा ऐसा वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा। देन हमारा आइसोटॉनिक, आइसोटॉनिक, आइसो मीन्स सेम। हेयर द वाटर, I mean solvent and solute quantity is same inside the cell as well as surrounding the cell. जितना पानी water, जितना water जो है cell के अंदर move कर रहा है, उतना ही water cell से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर condition same रहती है। Then है हमारा hypertonic. Hypertonic का मतलब है कि surrounding में जो है water कम है, salt की concentration ज़्यादा है, और इनसाइड द सेल जो है वो वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से निकल के उसके सराउंडिंग्स में आ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, अपनी शेपलेस हो जाएगा, अपनी असली हालत में नहीं रहेगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।